आपको हर तरह से मदद करेंगे, फिर चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग और प्रमोशन, मीडिया प्रमोशंस और एडवर्टाइजिंग, आईटी या कस्टमर केयर या फिर ट्रेनिंग सुविधा। अ मल्टी सर्विसेज रिटेल रेवोल्यूशन। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज हम बात कर रहे हैं परेश जमनादास राजदे की, एक ऐसे शख्स जो 2006 दिसंबर में इन्हीं मुंबई की सड़कों पर बाहर निकले थे और उन्हें एयर टिकट लेना था। मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उस वक्त इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आपको घर बैठे इस तरह की टिकट मिल सके, आईटी भी उतनी डेवलप नहीं थी और इसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा किया है जिसे कहते हैं एस कबस। आज मुंबई मिलेनियर में ऐसे ही शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो कोशिश कर रहे हैं इस तमाम सुविधाओं को आपके घर तक, आपके डोरस्टेप तक लाने की। परेश भाई, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे इस पूरी सोच के पीछे किस तरह की मेहनत लगी है, और चूंकि आपके अगर बैकग्राउंड को देखें तो काफ़ी डाइवर्स रहा है, क्या सोच के आप इस फील्ड में आए थे? जब ये फील्ड आता है तो ऐसे कोई सोच, कोई प्री सोच नहीं रहती है। इट इज जस्ट बाय एन एक्सीडेंट होता है, एंड इट्स अ पॉजिटिव एक्सीडेंट, एंड आई फील दैट यू नो इन माय लाइफ देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स व्हिच जस्ट कीप हैपनिंग। तो वो एक्सीडेंट का एक नतीजा होता है कि जिसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आके अच्छा कुछ क्रिएटिव मॉडल बन जाता है। एंड ये उसके बाद जब हम डीप स्टडी करते हैं, कोई एक थॉट्स आ जाती है और उसके अंदर मेरा जो वही एक खासियत है कि भाई आई गो इन टू द डीप ऑफ दैट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट हाउ दिस मॉडल कैन बी इवॉल्व एज अ बिजनेस मॉडल एंड यू नो इट कैन रियली क्रिएट द वैल्यूज फॉर ईच अदर। हर कोई जानना चाहता है कि ये एस कॉमर्स, सर्विस कॉमर्स, चीज़ क्या है, बला क्या है ये? द सर्विस कॉमर्स इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म विच वी हैव क्रिएटेड वेयर वी एग्रीगेट द सर्विसेज, जो चाहे रोजमर्रा की जो लोगों की ज़रूरतें होती है वो सर्विसेज हम इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करते हैं, चाहे रेलवे टिकट हो या एयरलाइन हो या यूटिलिटी बिल पेमेंट हो, टेलीकॉम सर्विसेज हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो, तो इंश्योरेंस, लाइक मैनी सर्विसेज हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर एग्रीगेट करते हैं। एंड देन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या तो रीच आउट टू द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज जो है, वो प्योर इंडियनाइज मॉडल है। जब मैं इंडियनाइजेशन बोलता हूँ तो ये टेक्नोलॉजी बेनिफिट हम मासिस के पास पहुँचा देते हैं विदाउट दैट कंज्यूमर बींग वरीड अबाउट कि भैया हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करें। उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको सिंपल जो आज नॉर्मल बिहेवियर होता है कि भाई आज ही गोज टू द आउटलेट एंड यू नो पे द बिल्स एक्सेट्रा, इज द सेम थिंग ही इज डूइंग इट। एंड एट द सेम टाइम उनको ये सब सहूलतें उसके घर के नज़दीक में मिल जाती है। आप जब शुरुआत किए तो कच्छ का एक छोटा सा गांव था, मात्र 3,000 लोग वहाँ पे थे, आज आप 10 लाख से ज़्यादा लोग को सर्व कर रहे हैं। उस वक्त से अब तक काफ़ी चीज़ें बदली है अर्थव्यवस्था को लेकर, भविष्य में क्या लगता है आप जिस तरह की सेवा शुरू कर रहे हैं इसके कितने दूरदायी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? ये जो एस कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और जो हम सर्विस लेने जा रहे हैं, ये जो मॉडल बनाया है, ये बेसिकली भारत के 95% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है उसको एड्रेस करता है, जो मासिस हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांजेक्ट नहीं कर पाते हैं। देर ओनली करंटली ओनली 5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो ट्रांजेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली या तो वेब के ऊपर ट्रांजेक्ट करते हैं। तो जो 95% ऑफ पीपल जो हैं, जो डिप्राइव्ड है आज की तारीख में यूजिंग द टेक्नोलॉजी, भारत इतना अच्छा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जब वो मासिस के पास जाता है या तो यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द मासिस इज कंसर्न, दे आर नॉट यू नो गॉट द बेनिफिट, एंड दैट्स वेयर वी आर एड्रेसिंग द होल सेगमेंट देयर। मैं जो यू नो रूरल इंडिया में बॉर्न हुआ हूँ, ब्रॉटअप हुआ हूँ, आई नो अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ द, एंड लोग कहते हैं कि भारत गाँव में रहता है, एंड आई बिलीव दैट ट्रूली। सो मेरे ख्याल से यू नो दी इसकी पहुँच जो है वो हर आदमी को, हर भारतीय को इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स वेयर आवर रीच कुड बी, एंड इट्स अ वेरी बिग आई थिंक इनिशिएटिव विच वी आर ट्राइंग टू डू दैट। जाहिर सी बात है आंकड़ों के मामले में परेश भाई का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं व्यक्तिगत तौर पे किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं। हमारे साथ परेश भाई की धर्मपत्नी हैं, उनसे जानेंगे कि उन वक्त में जब वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं अपने परिवार के लिए वो किस तरह से वक्त निकाल पाते हैं। शादी के बाद हम लोग एकदम सिंपल लाइफ में थे, फिर वो काम में बहुत इंटरेस्ट था, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, और मैंने भी कभी इनको कोई बात के लिए रोका नहीं है कि नहीं है करना है, तो ऑलवेज मैंने सपोर्ट किया है। और कभी ऐसा हुआ है कि ठीक है हम लोगों को कम टाइम मिला है, पर ठीक है होता है, फिर दो दिन बाहर आउट ऑफ स्टेशन चले जाते थे, यानी एकदम अच्छे से हम लोगों ने किया है, होता है कभी ज़्यादा काम हो जाता था, तो ठीक है हम लोगों ने, सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया है,
कोई चीज के लिए कभी ये नहीं हुआ है। आज तमाम सुविधाएं आपके सामने आई क्योंकि परेश भाई की मेहनत पीछे उसकी है। हाँ। एक वक्त रहा होगा जब आपको परिस्थितियों से समझौता करना पड़ा होगा। हाँ। उस वक्त कैसा लगता था? काश मैं खुद जब शादी करके आई तब मैं लाइट बिल के लिए लाइन लगा रही थी। अभी वो दिन मैं याद कर रही हूँ कि मैं उस टाइम पे, कल ही मेरी बात हुई थी मेरे सिस्टर के साथ कि मैं लाइट बिल के लिए भी जाती थी, और अभी तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब लाइट बिल भर जाया होता है, कब क्या होता है, कब बिल आता है, कब चला जाता है। कम से कम घर में तो फैसिलिटी मिल गई है अभी। हाँ, ये कभी कोई चीज मेरे को टेलीफोन बिल और गैस का बिल कोई चीज के लिए कभी मुझे देखना नहीं पड़ा है, ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है, मंथली सब हो जाता है। चलिए, परेश भाई को कम से कम इस बात की तो खुशी जरूर होगी कि जितनी भी गृहणियां हैं वो काफी खुश है उनके सुविधा इन्फो सर्व से। चलिए अब उनके सुपुत्र से बात करते हैं और देखते हैं कि पिता के बारे में उनकी समझ कितनी पुख्ता है। In my studies, I just gave my board exams and my school prelims, I never used to complete my geometry and algebra paper. So it was a big headache for me and I almost lost. When my paper I didn't used to complete, I used to feel that no, I won't complete and I won't get good marks. So I used to leave the paper and come out. So during that time, my father supported me and he made me understand that it's like very bad to just leave it and come. You should at least try to make it. And this time in my board exam, I completed all my papers. So that was really good for me. तो चलिए, तनुज को तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा में काफी सहूलियत हो रही है पिता के सीए होने से। चलते हैं उनके दफ्तर, देखते हैं कि आंकड़ों का ये जो पूरा खेल है किस तरह से होता है एस कॉमर्स में और क्या कुछ आना बाकी है। उनके दफ्तर चल के चलते हैं। और अब हम परेश जी के साथ मुंबई की सड़कों पे आ गए जहाँ पे अमूमन हर कोई इससे जुड़ा हुआ होता है। करीब 20 साल का काफी लंबा अरसा इन्होंने तय किया है इस शहर में। तो एक नॉर्मल एक स्टूडेंट होके आया था मैं यहाँ बॉम्बे में। मैं सीए करने के लिए आया जब मैं क्लासेस जाता था, पढ़ाई करता था। तो यू नो एट दोज डेज द इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था। आज थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इज कॉन्शियस अबाउट द डेवलपमेंट, द रोड्स अच्छे हो चुके हैं या हो रहे हैं। So looking at the futuristic point of view, definitely it is growing. क्या अभी भी आज की तारीख में कोई भी शख्स अगर किसी दूसरे जगह से यहाँ पे आता है तो उसके लिए कारोबार खोलना क्या उतना ही सहूलियत भरा जैसा पहले हुआ करता था? मेरे ख्याल से बॉम्बे एक मुंबई एक ऐसा सिटी है जो सबको एक्सेप्ट करता है। छोटे मोटे ऐसे वाक्यात होते हैं या कोई ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे कोई मुंबई कर नहीं है जो मुंबई के आम आदमी के ऊपर है। अगर आप मुंबई कर रहते हो तो मेरे ख्याल से उसमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ के तौर तरीके रहते हैं, आप शांत सुख चैन अमन से रहो, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है। अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो जिसको बिजनेस करना है, आई थिंक इट इज़ अ इमेंस अपॉर्चुनिटी मुंबई प्रोवाइड्स यू दी। अगर आपको काम करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, तो आई थिंक मुंबई इज़ दी बेस्ट इन इंडिया। And maybe you know next best you know I can see is the only some of the very large cities. Otherwise Mumbai is the best when you look at the common man. अगर किसी को आना है, बड़ा काम करना है, तो मुंबई से अच्छी जगह नहीं हो सकती है, स्पेशली कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। यानी परेश भाई के लिए फिलहाल कारोबारियों के लिए काफ़ी विकल्प से भरा हुआ है मुंबई, और आज की तारीख में कोई चाहे तो यहाँ पर आकर कारोबार कर सकता है। हम काफ़ी करीब मंजिल तक पहुँच चुके हैं, देखते हैं आज का शेड्यूल कैसा है परेश जी के आज दफ्तर में। तो हम परेश जी की कर्मभूमि पहुंच चुके हैं उनके दफ्तर, और देखते हैं आज क्या कुछ खास उनके शेड्यूल में है। परेश जी, आज क्या खास है?
आज एक क्लाइंट का मीटिंग है जो नया सर्विस प्रोवाइडर हैं, बड़े क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो दे आर कमिंग बाय 3 o'clock, तो उनसे एक बड़ी डिस्कशन है जो हाउ इंटीग्रेशन है प्लस बिजनेस अलायंसेस वगैरह एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स अ लार्जर मीटिंग एंड प्लस ऑफ कोर्स आवर इंटरनल मीटिंग्स आर देयर, कपल ऑफ मीटिंग्स आर देयर. और इस लाइन में तो काफ़ी ज़रूरी होता है पुराने क्लाइंट्स को इंटीग्रेटेड रखना और नए क्लाइंट्स को अक्वायर करना. कितना टफ होता है इस क्षेत्र में विश्वास लोगों का मेंटेन करना, क्योंकि काफ़ी थिन मार्जिन का ये पूरा गेम है. ये बेसिकली जो मॉडल है वो यू नो इट इज़ अ विन विन फॉर एवरीवन, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी इतना अच्छी प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि भी एक साथ सुविधा से टाइप करने के बाद जो दे कैन रीच आउट टू द मासेस वेरी इजीली एंड विदाउट मच ऑफ द एफर्ट्स. उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या रिटेल कुछ क्रिएट करना नहीं है, जो हम उसको वो मदद करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है. फॉर्चुनेटली हमारे पास आज ऑलमोस्ट मोर देन 200 सर्विस प्रोवाइडर हैं जो यू नो ऑलरेडी कनेक्टेड टू अवर प्लेटफॉर्म. पुराने जो शुरू में जिन्होंने सपोर्ट किया था, जो लाइक फर्स्ट आवर यू नो सर्विस प्रोवाइडर वाज अ रेलवे एंड देन उनके बाद जो सब अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर आज हमारे प्लेटफॉर्म पे है. वी आर प्राउड दैट यू नो नन ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडर इन दी बिगिनिंग जो हम इतना बिजनेस नहीं दे पा रहे थे तभी भी हमको छोड़ के नहीं गए. दे हैव सीन दी मॉडल इज़ वर्किंग एंड दे हैव सीन दैट यू नो दिस विल हैव अ फ्यूचर, सो दे हैव टेकन अ पेशेंस रूट एंड यू नो दे हैव सपोर्टेड अस वेल. आज उनका फ़ायदा है एंड प्राउडली वी हैव यू नो ग्रोन अप 200 प्लस सर्विस प्रोवाइडर. सो यू नो दैट हैज गिवन द बेनिफिट एंड दैट शोज दैट यू नो हाउ द मॉडल इज़ वर्किंग एंड हाउ द पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट द मॉडल. ग्रेट, यानी कह सकते हैं टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू. इस मंदी के माहौल से बाहर परेश भाई निकल के ये बात तो साबित कर चुके हैं, उनके क्लाइंट्स का विश्वास उनके साथ पूरी तरह से बना हुआ है. आइए बात करते हैं उनके कलीग से, जानते हैं कि उनका विश्वास कितना उन्हें मिला है. हमारे साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले नीलेश हैं. नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी वक्त से सर के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह का विश्वास आप मानते हैं इनमें? परेश भाई के साथ मैं एकदम शुरू से काम कर रहा हूँ, जब से सुविधा एज अ कंपनी इट स्टार्टेड एज अ वेरी स्मॉल यूनिट एंड नाउ वी हैव ग्रोन बिग. And of course, the entire credit goes to Paresh Bhai. The way he has handled situations, the way he has handled his people particularly. All in all, I mean, he is a good businessman. He has achieved a lot. But I personally believe this is just because he is a good human being. Nilesh, who special projects handle karte hain, unke paas barai ke shabd hain, Paresh Bhai ke liye nahi, bahut badi baat hai. Khair, hum ab business development ki baat karte hain, wahan pe Anusha kaam karti hain, unse jante hain ki is ahem portfolio mein kaafi dabav hua karta hai, naye client se milna padta hai, unka kya manna hai Paresh Bhai ke liye ki wo kis tarah ke boss sabit hote hain? Ji Anusha. Paresh sir, in fact जब हमने सुविधा ये कंपनी ज्वाइन की थी, लाइक सुविधा जो कंसेप्ट है एस कॉमर्स फॉर अस, लाइक इट वाज वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर मी टू इवन डाइजेस्ट के हाउ डू वी लाइक यू नो मेक अ सर्विसेज प्लेटफॉर्म ऑन यू नो अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड हाउ डू वी रोल आउट लाइक. बट बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज, लाइक यू नो ही हैज़ बीन ऑलवेज गाइडिंग अस के ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, एंड यू नो वी कैन वी कुड गेट सो मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स टूडे ऑन बोर्ड. और अगर आप ऑल ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर आपको रैंक करना हो परेश जी को, तो आप कितना उन्हें रैंक करेंगे ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक यू नो लीडरशिप क्वालिटी, आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, हाउ ही इज लाइक यू नो एम्प्लॉइज पर्सन, नॉट एन एम्प्लॉयर, हाउ डू यू रेट? या ही हैज बीन अ ग्रेट लीडर. आई मीन यू नो बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो ही हैज बीन गाइडिंग अस इन ऑल द प्रोजेक्ट्स, लाइक यू नो जो भी हमें रोल आउट करना है, तो इवन हमारी कोई सर्विसेज है तो UAT भी करना है, तो सर लाइक अच्छा ये चेंजेस करा लो, इसमें ये चेंजेस करा लो, तो ही इज ऑलवेज गाइडिंग अस, तो आई वुड रेट हिम 10 out of 10. यानी साफ तौर पे कर्मचारियों के बीच में पूरे अंक मिले हैं परेश भाई को. आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा था कि काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस सेक्टर में दिख रहा है आपको, आने वाले वक्त में सुविधा इंफोसर्व को यहाँ से कहाँ ले जाने का इरादा है आपका? यहाँ से हम आज सिर्फ 20,000 आउटलेट्स हैं और सिर्फ 500 सिटीज़ या टाउन्स में हम पहुँचे हुए हैं. यहाँ से हमको बहुत आगे बढ़ना है. नंबर ऑफ़ आउटलेट्स जहाँ हम जो सिटीज़ के अंदर हैं वहाँ पे भी हर नुक एंड कॉर्नर मोहल्ले हर जगह पे हम स्प्रेड करना चाहेंगे, जो ताकि हर आदमी को उसकी सहूलत नज़दीक में मिल सके. एंड सिमिलरली वी आर गोइंग रूरल ऑल्सो, तो यू नो जो जहाँ पे इस सुविधा की या जो सर्विसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो रूरल इंडिया को है, और वहाँ पे हम जा रहे हैं. वो एक नॉट एज दी नोवेल थॉट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी सी दैट यू नो दिस पीपल आर डेफिनेटली नीड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज मोर, एंड अ पोटेंशियल इनफ है हमारे लिए. वी आर टारगेटिंग इन नेक्स्ट 3 years of time मे बी 100-150,000 आउटलेट्स अक्रॉस द इंडिया.
इंक्लूडिंग द रूरल अगर हम जाएंगे तो उससे ज़्यादा और बढ़ सकते हैं. वी आर ऑल्सो टाइंग अप विद वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे दे आर पुटिंग अप अबाउट 100,000 एक लाख आउटलेट्स जो डाल रहे हैं, तो उसको हम एम्पावर कर रहे हैं. सो लाइक दैट यू नो मिक्स एंड मैच तरीके से हम हर जगह पे हम सपोर्ट करते हैं. गवर्नमेंट एजेंसीज़ को हम सपोर्ट करते हैं. अभी रिसेंटली हमने एक BSNL इंटेल के साथ मिलकर कर्नाटका में जो PCOs हैं जो विच आर डाइंग एंड यू नो विच आर फेसिंग द डिफिकल्टी ऑफ द रेवेन्यू लॉस बिकॉज ऑफ द मोबाइल पेनिट्रेशन विच हैज़ गोन अप, तो वहाँ पे वो सब PCOs को हम ePCO में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वो वहाँ पे यू नो ये सब सर्विसेज की सुविधाएं सबको उपलब्ध करवाएंगे. तो यू नो देर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स विच वी आर वर्किंग ऑन देयर. जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसी तरह हम सर्विसेज भी नई नई सर्विसेज ऐड करते जा रहे हैं. एज आई सेड मोर देन 200 सर्विस प्रोवाइडर हैं विद वेरियस सर्विस कैटेगरी. क्योंकि आप IPL से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान रॉयल्स के टिकट आप बेच रहे हैं, आपने कुछ नई सेवाओं की बात की है कि उनको भी आप सुविधा के अंडर लाएंगे नेट में, वो कौन कौन सी होंगी अगर एक स्नीक पीक दे पाए हैं? मैं राजस्थान रॉयल की ही बात करूँ तो ये इंडिया में पहली बार हुआ है कि जो क्रिकेट टिकटिंग जो है, क्रिकेट मैचेस की टिकट्स जो हैं वो आपको नेबरहुड कन्वीनियंस स्टोर्स पे मिल जावे. ये पहले कभी हुआ नहीं है. आपको स्टेडियम पे जाके दो दिन तीन दिन पहले आपको क्यू लगानी पड़ती है और उस तरह से मिलती है. यहाँ पे इट्स बिकम ईजियर इन दैट वे. सो यू नो दिस ऑल थॉट्स विच यू नीड टू कीप इवॉल्विंग एंड हम बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो विच वी कीप इवॉल्विंग एंड वी पेनिट्रेट एंड वी गो इन टू द मार्केट. यू नो दैट्स हाउ वी कीप वर्किंग आउट देयर. देर आर मेनी एग्जाम्पल्स विच वी आर यू नो वी आर द फर्स्ट एंड वी आर द ओनली पीपल हु आर डूइंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज. चाहे वो रेलवे टिकट हो जो हमने पहली बार ऐसे आउटलेट से हम लेके गए हैं, या चाहे वो इंश्योरेंस हो कि आज रिन्यूअल वी आर द सुविधा इज दी लार्जेस्ट रिन्यूअल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्टिंग एजेंसी इन इंडिया टुडे विद दी ऑल टॉप ब्रांड्स लाइक LIC, ICICI Pru, HDFC, ANG एंड सो मेनी अदर ब्रांड्स और सो मेनी अदर कंपनीज हु राइड ऑन अस अवर नेटवर्क टू कलेक्ट देयर रिन्यूअल प्रीमियम. So you know these are all services which we thought of first time and we implemented that, and that's how we are proud of that you know working on those kind of projects. So we keep innovating and we'll keep innovating and that's how our you know we'll keep growing. बिल्कुल, इस नए क्षेत्र में बने रहने के लिए सबसे ज़रूरी है इनोवेशन, जैसे जैसा परेश जी बता रहे हैं, और आने वाले वक्त में वो बना के रखेंगे. जाहिर सी बात है इस बार हम इस अंक को यहीं ख़त्म करेंगे इस बात के साथ कि इस शख्स की हमने आपको कहानी दिखाई है वो ये था कि अंतिम मील का जो कम्युनिकेशन होता है वो एस कॉमर्स ने पूरा किया है. भविष्य में आने वाले वक्त में कई सारी चीज़ें बदलने के लिए इतना ज़रूर है, इन सुविधाओं को आम आदमी तक जोड़ना बहुत ही अहम होगा. अगर ऐसा हुआ तो ये सेक्टर और भी ग्रो करेगा और यही उम्मीद करेंगे परेश भाई के साथ ही और विकास के नए मील के पत्थर जोड़ते जाएं. जो इस खास पेशकश में इतना ही, फिर बाकी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 के साथ.